पता नहीं मर्द अपने आप में प्रॉब्लमेटिक चीज है. मर्द एनीवे प्रॉब्लमेटिक है, बट हिंदुस्तानी मर्द एक अलग स्पीशीज है. ओके आप देखो, इफ यू फाइंड एन इंडियन मैन अराउंड अल्कोहल, विमेन विल बी अनकंफर्टेबल. व्हाई? बिकॉज इट इज एन इंडियन मैन. वो सुरूर बनाने के लिए नहीं पीता, पेट भरने के लिए पीता है. और फिर उनके अंदर मर्दानगी जागती है, एक अलग किस्म का मचिज्मो जागता है. मैंने शराब की बोतल पे देखा है कि कितने परसेंट इसमें अल्कोहल है. मेरा कोई मोरलिस्टिक स्टैंड नहीं है इसके ऊपर, कभी कभी मैं भी लगा लेता हूँ थोड़ी बहुत. मैंने उस पर लिखा देखा कितने परसेंट अल्कोहल है इसमें, लेकिन मैंने कभी भी किसी बोतल पर यह नहीं देखा कि इसमें कितने परसेंट मर्दानगी है. बट मैन ट्रीट एल्कोहल एज कोई अचीवमेंट है. आप इनके कॉन्वर्सेशन सुने, कल रात को तेरा भाई ठेका बंद करा के उठा था भाई. और इसमें बहुत प्राइड होती है, जैसे महाराणा प्रताप आ गया उसके अंदर. कभी भी शादियों में, नॉर्थ इंडिया में तो खास तौर पे शादियों में देखो, पंडाल वहां पे लगा हुआ है, पंडाल की थोड़ी दूरी पे एक गाड़ी में चार पांच लौंडे बैठ के मर्द बन रहे होंगे वहां. वो दारू पी रहे होंगे वहां पे स्टाइल से. उनको लग रहा है कि पंडाल में जितनी भी औरतें जा रही हैं, जितनी भी लड़कियां जा रही हैं, वो सब इनमें मर रही हैं. क्योंकि अमिताभ बच्चन ने वो शराबी पिक्चर बना दी है और सब कुछ वहीं से डिफाइन हो गया है. हर मर्द को ये लगता है कि लड़कियां उस पर मर रही हैं. मतलब यार तुम्हारे मुंह से बांस आ रही है. थोड़ी देर में उल्टी भी करोगे. अभी लड़कियां भक्त नहीं हुई है ना तुम प्राइम मिनिस्टर. एंड आप जब दारू पीने के बाद इफ यू आर विद अ फीमेल फ्रेंड जो आपके साथ आई जब आप सोबर थे और उसके बाद आप टुन हो गए, उसके बाद आप उसको बोल रहे तेरे को घर मैं छोड़ूंगा, लेट मी टेल यू दैट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट. Because you are telling that woman that it's a man's world, I can do this, you cannot. और आप parties में, ये तो ये सबके साथ होता है, ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, ये सबके साथ parties में आप देखोगे, एक तो हर पार्टी में एक अमित होता है हमेशा जो पीके टोन होता है. और आप उस पार्टी, कोई एक लड़का उस पार्टी में है जो कह रहा है यार नो आई एम नॉट ड्रिंकिंग, मैं अपनी वाइफ के साथ आई हैव टू ड्राइव, वो अमित उसके पीछे पड़ जाता है, अबे पी ना यार क्यों माहौल खराब कर रहा है यार, साले माहौल पे तू हग रहा है. पीने के बाद जबरदस्ती लड़कियों को गंदे गंदे चुटकुले सुना रहा है, बहुत ही बुरे बुरे. वो लड़का कहता नहीं मुझे नहीं पीनी है. बट व्हाट दिस गाय डज, वो यूनिक इंडियन मेल थिंग, यार मैं एक मिनट भाभी से परमिशन लेके आता हूं. अरे भाभी जी आज पीने दो ना, अलाउ कर दो ना यार, आप कह दोगे तो पी लेगा. वो औरत बोली व्हाट द फक, मेरा क्या लेना देना, तुम्हें गोबर खाना है खाओ. वो बंदा नहीं पीता तो व्हाट्सएप ग्रुप पे उसकी लगती है वाट, कहते हैं कि तू साला जोरू का गुलाम हो गया, जब से तेरी शादी हुई है तेरे लाइफस्टाइल जीने के, वो तेरे पे पैरा रखती है, तू बीवी के पेटीकोट में ही घुसा रहता है, जब तक वो नहीं कहती तू करते. मतलब अपनी गंद का ठीकरा फोड़ दिया बेमतलब में उस औरत के ऊपर. दैट्स हाउ इंडियन मेल फंक्शंस. और व्हाट डू वुमेन डू देन, फाइनली दे केम आउट विद मी टू. उन्होंने बोला आगे के सालों आप नहीं सुनेंगे, हम सारे लड़कों की फट गई कि यार ऐसे तो कोई किसी पे भी नाम लगा दे. तो जिस डर से लड़कियां हजारों सालों से रहती आई हैं, तुमसे एक दिन बर्दाश्त नहीं हुआ. And they are coming up with all kinds of random excuses. कि यार ऐसे तो romance ही नहीं होगा. हाँ बता, हम Indian male का, Indian society का, special Indian male का romance का idea क्या है? जो हमारे सबसे classic गाने क्या हैं? साहिर ने लिखा हुआ गाना है अपना दिल तो आवारा ना जाने किस पे आएगा.
देवानंद वहीदा रहमान को ट्रेन में परेशान कर रहा है, छेड़ रहा है, पूरी ट्रेन हंस रही है, वहीदा रहमान इज क्लियरली अनकंफर्टेबल, बट दैट्स आवर हीरो. वही देवानंद एक और जॉनी मेरा नाम फिल्म में हेमा मालिनी बाथरूम में नहाने घुसे, उत्सव ऊपर से झांक के आ रहा पल भर के लिए हमें कोई प्यार कर ले. वी ग्रो अप विद दिस आइडिया ऑफ रोमांस. और बोल रहा मुझे अब रोमांस कैसे होगा, अब ऐसे तो रोमांस होगा ही नहीं, तो मत करना यार. ये जो रोमांस का आइडिया तुमने बनाया हुआ है, इट्स अ मेल गेज. लेट वुमेन कम अप विद एन आइडिया ऑफ रोमांस. तब तक इंतजार कर ले. कहते ऐसे तो यार मैं ऑफिस में किसी को बोलूंगा आई वॉन्ट टू टेक यू आउट फॉर कॉफी, मना कर दे तो मैं परसों ही ना करूं. हाँ हाउ डिफिकल्ट इज दैट टू अंडरस्टैंड दैट अ नो मीन्स नो. एंड जितने भी लोगों को अक्यूज किया गया, एक हाँ कोई बोल रहा है कि लड़की की ना नाम में हाँ छुपी होती है. साले तू बटन बंद करने गलत बटन का आज मैं अपना बटन डाल देता, तेरे को वो नहीं मिलता, तेरे को नाम है हाँ मिल रही है. अरे साला कंसेंट है या पल्स पल्स कैंडी है कि अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है. जितने भी लोगों को ये अक्यूज करा गया था उनके रिस्पॉन्स से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ही इज गिल्टी. क्योंकि उनका सबका एक एफटीपी सर्वर उन्होंने मेरे ख्याल से बना रखा है, वहां पे एक टेम्पलेट रखी हुई, उसको डाउनलोड करते हैं, अपना नाम लगा देते हैं बस उसमें. एवरीबडी सेज जस्ट थ्री थिंग्स, दिस इज डेफेमेटरी, आई एम टॉकिंग टू माई लॉयर्स, एंड माई वाइफ इज विद मी. यू रीड दैट एंड यू नो दिस गाय इज गिल्टी. एक्सक्यूजेज, मर्द हिंदुस्तानी मर्द के एक्सक्यूज, जब ये इस तरह की हरकतें करते उसको एक्सक्यूज कहता है, यार सॉरी आई वॉज ड्रंक. अगर कोई आपकी गाड़ी पीछे से आके ठोक दे और उतर के बोले कि सॉरी यार मैं पी हूं, आप उसको माफ कर दोगे? अगर गोभी जी ये बोल दे कि सॉरी यार 7 नवंबर को थोड़ी ज्यादा हो गई थी, कोई माफ नहीं करेगा. कभी बोलते हैं यार शी वॉज ड्रंक, यार डोंट बिलीव शी वॉज ड्रंक. मतलब तू ड्रंक है तो तू मोलेस्ट करेगा, वो ड्रंक है तो तू मोलेस्ट करेगा. ड्रंक से ड्रंक कैंसिल, तू मोलेस्टर है. अजीब है क्यों यार, उसने कपड़े देखे कैसे पहने हुए थे, उसके कपड़े देख के वो ऐसे कपड़े पहने हुए थे. अरे उसने ऐसे कपड़े इसलिए पहने हुए मेरे भाई क्योंकि उसके पास वो कपड़े हैं. इट इज एज सिंपल एज दिस. एंड द फनीएस्ट ऑफ देम ऑल, फनीएस्ट, यार वो मुझे सिग्नल दे रही थी. तू साले चमकादड़ है क्या? Normal human beings talk. सिर्फ कुत्ते और चमगादड़ होते हैं जिन्हें सिग्नल समझ में आते हैं. मतलब हिंदुस्तानी मर्द इतनी करामाती चीज है, ठीक है, हां तो वो सिग्नल से ही समझ लेता है. हाँ तो वो सिग्नल से समझ लेता है. लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने एक केस में ये जजमेंट दिया कि लड़की का नो बहुत फीबल था. दैट्स अ जजमेंट. तो हाँ तो आप सिग्नल से पकड़ लेते हो लेकिन नो फीबल नहीं होना चाहिए.